निर्णय हुआ है कि टाउन प्लानिंग स्कीम में इसको इसमें फाउंटन के साथ साथ यहाँ पर फूल पौधे पेड़ चलने की जगह पॉइंट इस प्रकार से अध्यावर गार्डन हमारे जुमेरा जी ने उसको डिजाइन किया है और आने वाले 6-7 महीने में पूरा करने का ये प्रयास रहेगा और इसके भूमि पूजन के लिए श्रेयस और उसके सभी सरकारी और प्रेसेस सभी आए हैं। इसके लिए बहुत अच्छा होता है ये संतापुर वासियों के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और सेलिब्रिटी दोनों का संगम है। आज हम दिल्ली में जो देख रहे हैं हालत जो हुई है तो आई गेस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें पेड़ पौधों की जैसे गार्डन्स की ओपन स्पेसेस की तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये काम कर रहे हैं यहाँ पे बुंदा गार्डन बना रहे हैं एंड आई गेस एवरीबॉडी विल बी एबल टू यूज इट टू द मैक्सिमम बेनिफिट। बट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन लोगों ने जिस तरीके का प्यार दिया है वो हम सोच भी नहीं सकते थे आज 200 करोड़ ये वीकेंड तक हो जाएगा सो आई गेस बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि गोलमाल भाई जल्द से जल्द बनाएँ और वो भी आपके सामने पेश करें। आपने इंडिगो के बारे में कहा तो जो हुआ इंडिगो अरे यार कहाँ बोल रहे हो सारे लोग डरे हुए हैं बट डू यू थिंक व्हाट इंडिगो एम्प्लॉयड इट विद सीनियर सिटीजन इट इज़ अ यार बेसिकली कैसा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज हमें प्यार की ये वैसे ही हम लोग सोशल मीडिया पे वगैरह एक दूसरे को इतनी सारी चीज़ें बोलते रहते हैं थोड़ा प्यार से बात करेंगे सबसे तो सबके लिए अच्छा रहे। जितनी खुशी देंगे उससे दुगनी खुशी हमें मिलेगी सो आई गेस मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया वो मैं हमेशा टाटा मेमोरियल के बच्चों के लिए और के पेशेंट्स के लिए जब वक्त मिलता है कुछ ना कुछ करता रहता हूँ वहाँ जाके। इस बार एक इवेंट में मैं जा नहीं पाया तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं फिल्म का स्क्रीन यहाँ पे सो दे वर हैप्पी दैट मेक्स मी हैप्पी दैट इज़ आई गेस जैसे अभी कहा गया प्यार की ज़रूरत है। आई डोंट नो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा लेकिन कुछ महीने पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो जो पूरी दुनिया जानते हैं उनको बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है उन्होंने वर्सोवा का जो बॉम्बे बीच है वो एक वीडियो अपलोड किया था कि ये दुनिया में सबसे गंदा बीच है इट्स लाइक द डर्टीएस्ट एंड फिल्थीएस्ट ऑफ ऑल द बीचेस। एज एन इंडियन मेरा सर शर्म से झुक गया था कि हमारा देश यू नो ऐसे कारणों की वजह से जाना जा रहा है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है तो इनफैक्ट इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आज लोगों को ये बताने के लिए कि आप प्लीज़ हमारे पर्यावरण को जैसे हमारे घर को साफ़ रखते हैं वैसे हमारे पर्यावरण को साफ़ रखिए और जितना हो सके पेड़ झाड़ ये सब उगाइए बिकॉज वी नीड इट। ऐसे नहीं होना चाहिए दैट फ्यू जनरेशन डाउन द लाइन वी डोंट नो व्हाट फ्रेश एयर इज़। आज जब हम अब्रॉड जाते हैं इंडिया से बाहर जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ का माहौल वहाँ का क्लेंलीनेस सो वी शुड ट्राई एंड मेक आर कंट्री ग्रीन एंड क्लीन एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे सैंटा क्रूज का जो दौलत पार्क है यहाँ पे फाउंटेंस होंगे पार्क्स होंगे सुंदर पेड़ पौधे फूल होंगे एंड देयर विल बी प्लेस टू वॉक एंड सिट डाउन सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट। जो सारे लोग जो पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं अप्रिशिएट करिए इन्हें साफ़ रखिएगा और अपने तरफ से भी आप जो छोटा सा भी कहीं पौधा भी उगा सकते हैं तो प्लीज़ उगाइए बिकॉज इट विल हेल्प अस इट विल हेल्प आर फ्यूचर जनरेशन इट विल हेल्प आर कंट्री सो दैट्स माय अपील टू ऑल ऑफ यू। सो यू मैम यू वर्क सो मच हार्ड इन द मेकिंग द फिल्म लाइक पद्मावती फिल्म लाइक लॉट ऑफ थ्रेट्स आर कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिशियंस एनीवेयर सो हाउ यू सी द आर्टिस्ट नॉट गेटिंग अ फ्रीडम ऑफ स्पीच व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म बिग पद्मावती एंड ऑलरेडी संजय लीला बंसाली yesterday also he said that this kind of nothing is there like romance between them so what do you want to say regarding that? I think a film is a medium telling a story the director wants to tell the audience a story and we live in a free country we live in a country like India we should all be given the freedom of speech freedom of expression and it should be seen as that. I don't think I'm sure Sanjay Leela Bhansali being an amazing director is not going to show it in any derogatory way or in any way objectionable so we should give a storyteller a freedom to show the story that he wants to show and let people decide if they like it or not. Thank you so much. Thank you.
बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोज़ देखी दिल्ली के, आई वॉज शॉक्ड. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब आई मीन द स्मोक द पोल्यूशन, इट्स अनबिलीवेबल. आई एम श्योर बॉम्बे में भी बहुत पोल्यूशन है एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. सो बहुत बुरा लगता है देखकर ऐसे वीडियोज. बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट को अवेयरनेस रिली मतलब इशू करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग एज अ सिटीजन इंडिया की वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो एज़ फर्स्ट थिंग जो बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ड्राइविंग, मतलब यू ट्राई कार पुलिंग. एक गाड़ी यूज़ किया करो फैमिली में, हज़ारों गाड़ियाँ मतलब मत रखा करो. यू नो आई नो पीपल कैन अफोर्ड इट इन दिस कंट्री, बट करना नहीं चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उससे. स्मोक डिटेक्टर्स लगानी चाहिए, स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए. आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड स्टॉप स्मोकिंग. देखो इतनी ऑलरेडी इतनी पोल्यूशन है, जितना स्मोक करोगे पोल्यूशन उतनी बढ़ेगी. तो गवर्नमेंट को भी मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी जो हालत है इस कंट्री की बहुत ख़राब है. आई मीन फॉर किड्स, जो बच्चे हैं उनके लिए तो, और भी जो यहाँ पे बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है. सो द गवर्नमेंट डेफिनेटली शुड टेक अ मेजर स्टेप फॉर दिस. माई एज प्रोफेशनल लेवल मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है अगले हफ्ते, दिल जो ना कह सका. तो उसकी अभी प्रमोशंस चल रही है और 3-4 फिल्में रिलीज़ होने वाली है अगले साल हिंदी में. साउथ की भी अभी मैंने एक सोशल वेब सीरीज़ ख़त्म की राणा दग्गुबत्ती के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है. तो बस बिजी है. पर्सनली अभी जो हालत है, आई डोंट लाइक गोइंग फॉर वॉक्स आउटसाइड बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. सो आई प्रेफर गोइंग, इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, आई प्रेफर गोइंग टू द जिम बिकॉज एयर सर्कुलेशन रहता है, क्लोज रहता है, सो पोल्यूशन उतना नहीं होता. बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम बाहर जाना चाहते हैं वॉक के लिए, बच्चों को लेके, फ्रेंड्स को लेके, तो वी शुडंट थिंक ट्वाइस कि पोल्यूशन है. लाइक वी लिविंग इन अ कंट्री, इट्स सो सैड कि हमें सोचना पड़ता है 10 बार बाहर जाने से पहले. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑफकोर्स मैं जब बाहर जाती हूँ मैं सोचती हूँ अरे इस वक्त जाऊँगी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा. आई मीन इट शुडंट बी लाइक दैट. सो आई थिंक द अवेयरनेस शुड बी रेज्ड, पीपल शुड बी केयरफुल, पीपल शुड ट्राई यूजिंग लेस कार्स इन ईच फैमिली. दिल्ली ने ट्राई की थी आई थिंक थोड़ी देर के लिए, बट नहीं चली. बट यू नो इट शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट. इट्स कमिंग बैक नेक्स्ट वो तो आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज एज इंडियंस वी हैव द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मेकिंग अ मूवी. एज अ फिल्म मेकर आई थिंक संजय लीला बंसाली जो कर रहे हैं इट्स ब्यूटिफुल. आप देखोगे ट्रेलर इतनी अच्छी लग रही है. तो आई डोंट थिंक कि लोगों को परेशानी होनी चाहिए, बिकॉज फिल्म ही बना रहे यार. आई एम श्योर उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इंटेंशन लेके कोई भी फिल्म नहीं बनाता है. एंटरटेन करने के लिए बनाता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाता है. सेंसिटिव इश्यूज़ को लेके लोग ऐसे मतलब उन्होंने तो डेफिनेटली नहीं, तो डेफिनेटली आई मीन उन्होंने कहा है ऐसा तो फिर डेफिनेटली उन्होंने फिल्म बनाई है, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है. आई एम श्योर बहुत ही अच्छी फिल्म, और उनकी फिल्में जो आप देख लीजिए इट्स मेड ऑन ह्यूज स्केल. मतलब कितने प्यार से, कितने मतलब दे पुट सो मच इनटू मेकिंग अ फिल्म. उसके बाद लोग जब मतलब यू नो इट्स नॉट फेयर. आई डोंट थिंक फॉर अ फिल्म मेकर इट्स नॉट राइट फॉर देम टू डू दिस. थैंक यू सो मच. आई फील कि इट्स इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो हम कर रहे हैं, और आई थिंक एवरी पर्सन शुड डू दिस इनिशिएटिव. जो कचरा फेंक रहे हैं लोग, इतनी गंदगी कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत 2 मिनट लगता है आपके एक दिन का. तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. सो एवरी इंडिविजुअल शुड लाइक यू नो टेक केयर ऑफ क्लेनलीनेस. या तो ये मतलब एज एन इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी होती तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि इंडिविजुअल, और अगर इंडिया में अगर हर एक इंसान ये चीज़ अपने लिए करे और अपने यू नो इंडिया के लिए करे, सो आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस. Ragni MMS is already out. Second season is going to be out in December. And Hotel Milan, which is opposite Kunal Roy Kapoor, wo aayega Jan mein. So please watch it. Ragni MMS is going to rock. I mean, it's very sensual. People are looking forward to it. I mean, it's sexy and I'm sexy, so I'm happy with it. I've got a good, very good response. So, yeah. Thank you so much. Anyone message like to give for the environment? Like, green or...
I feel it's a very good initiative. Jo, you know, we go abroad, we see so many beautiful gardens, so many beautiful places. India doesn't have that kind of environment. It's Delhi has a lot of lot many than Bombay. So I feel Bombay needs more, and we need parks. We need these places where, you know, kids can just enjoy. People can just, you know, have fun abroad. There's so many places you can just, you know, walk in the garden. So yeah, please, you know, it takes 2 minutes of your time to, you know, keep your area clean, so do it. Karishma, aapka video trending kar raha hai jisme tamam comment niche likhe aa rahe hai, koi kehta hai main pehchanta hu, koi kehta hai nahi pehchanta, koi kehta hai ha wahi hai. Kya kuch kehna chahoge? Trending mein hai wo video, kya kuch? Kaun sa video? MMS Rajni. Oh, which video? I think there is a video where I am there. It's a part of the web series, and I think it's sexy and you guys should watch it. And I think it's a great film. I'm looking forward to it. I love Deepika. I love Ranveer's performance from the trailer, and I'm very, very, very excited for it. कुछ लोगों का objection भी है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है. I don't have any comment because I'm an actor and I'm seeing it through a script perspective, or I feel it's a great script. People have performed really well, Deepika, Ranveer, Shahid. So I'm really looking forward for the film. It's nice ki gardens ban rahe hai to aap ghar pe phone chhod ke aap bahar jaiye, gardens aur parks enjoy kijiye. I know Google se aap puri duniya ghoom sakte hai, but kabhi kabhi aap phone band karke if you go out to gardens and parks, I think you can explore more in life. But oxygen aur saaf safai kitna important hai, mahatva hai aam aadmi ke jeevan mein. Important means it is the main thing to live. We don't want to inhale bad odors. But the way you see in Delhi, like a lot of pollution, do you think Mumbai should now take a step regarding this? Lot of awareness should create in a school, colleges. Not only Mumbai, I think every single place needs to take care of that, because we are living in this world, no? And the main thing to live now is air. If you're going to inhale toxic smoky air, it's not going to be good for anyone's lungs. So to say as a message, like an every individual as a responsible citizen have to do actually to keep the environment. I think it starts at home. So people can tell their children from when they are really young about the awareness about this. It starts with cars and vehicles also. I think we all make that blunder. I am also responsible for it because I do travel by car. But where you can try to go walking, where you can try to use a cycle, small things like that, things with electricity also, if you're at home, small things that you can do. I'm not saying make major changes, because people probably won't be able to do that, but things like switching off the light when you're not in the room, switching off the AC when you're not using it. Besides gym, what else do you prefer, like maybe going to parks or something? Actually, even if I'm shooting outdoor or something, I try to find a garden. If it's in Ladakh, I'll try to climb the mountain and exercise. Or if it's in London, I try to find a park and work out. I think it's always nicer, because a gym is always in a room. Gyms are nice, but it's a room, and when you can go outdoors, why not? जब मैं पद्मावती पार्ट 2 साइन करूंगी तो मैं इन लेंथ कमेंट कर लूंगी। योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आई हैव साइंड अ फिल्म ऑपोजिट प्रभुदेवा, व्हिच आई एम गोइंग टू मेक माय तमिल डेब्यू विद। आई एम लीविंग नाउ टू गोवा टू शूट प्रभुदेवा। आई एम लीविंग नाउ, आई एम गोइंग टू गोवा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। Such a project working with the Prabhu Deva, he's a very. I'm very, very excited, because it's the first time. Normally, even जो south filmों मैंने filmें मैंने की है, have mostly been serious or like this is a nice fun role. And Commando 2 में people have liked that I did comedy and I was funny and stuff like that. So I think in this movie also they'll really enjoy that. It's a nice crazy role and there's lots of dancing. Yes. Ma'am, while making the film, you work so much hard while making the film. Day night you work. Like I'm talking about Padmavati. A lot of body movement takes place. Do you think
the freedom of speech is curtailed. So I'm not in Padmavati. Freedom of speech, but do you think, but like your film works so much hard, any film making. So like I said, when I signed Padmavati 3, Bansali sir and me will comment simultaneously together. I think right now, but I'm not in the film yet, sir. So when I'm in part 2, when he casts me, both of us will comment together. I promise. Basically, it's like the garden includes 4 fountains in it, different kind of fountains, and it's like. Loud बोलिए थोड़ा सा. कितने एक्साइटेड है आपको, कितनी खुशी हो रही है जब आपका किया हुआ काम, अब इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अब उसकी बारी है कि वो जमीन पे उसका ये होगा, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है इस काम के? बेसिकली इट्स वन ऑफ माय लाइक फर्स्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ, बिकॉज तो चेहरे पे पता चल रहा है क्या क्या इसमें आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देयर आर 4 काइंड ऑफ फाउंटेंस इन इट, लाइक I won't give a description right now because I won't want to it. But it's not like that. मतलब इसमें basically unique kind of fountains है जिसमें automated laser lights होगा and boat sculpture light होगा, Japanese style of fountain होगा. खास करके Santa Cruz में ऐसा नहीं है इसलिए. नहीं, I guess Mumbai में 4 fountains in like one garden. I don't think so. There is only one. So that's why. जब आपने design लेके गए रहे थे यहाँ के लिए जो के पास देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव के पास, तो किस तरह से उनका रिएक्शन रहा कुछ बताना चाहिए? बेसिकली उनको बहुत अच्छा लगा था बिकॉज उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सो दैट्स व्हाई. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू फर्स्ट टाइम.